मैं आज दम बिरयानी बनाऊंगी। तो दम बिरयानी ने मेरी बेटियों ने आज फरमाइश किया है, मैं मम्मी दम बिरयानी बनाओ, तो मैंने दम बिरयानी बनाऊंगी। तो दम बिरयानी बनाने के लिए उसमें मैं कैवरा वाटर नहीं दूंगी, तो मेरी बेटियों को उसका जो स्मेल है वो पसंद नहीं है। तो मैं और जो जो है सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी डिलीशियस एक रेसिपी शेयर करके दिखाने जा रही हूँ, जो है दम बिरयानी। दम बिरयानी सभी को पसंद आता है, तो आइए मैं आप लोगों को ये दम बिरयानी बना के दिखाती हूँ। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आइए, दम बिरयानी बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने आलू को तीन आलू हैं इसमें, तीन से चार आलू है। इसको मैंने थोड़ा सा उबाल के इसको दो पीसों में काट के रखा है। ये तीन प्याज है बारीक काटी हुई, ये है अदरक और लहसुन पेस्ट, और इधर है लहसुन को मैंने थोड़ा सा दरदरा करके पीसा है। ये है आधी कैप्सिकम बारीक कटी हुई, दो टमाटर बारीक कटी हुई, यह हल्दी है, नमक है, और ये है गरम मसाला। गरम मसालों में है छोटी इलायची, जयत्री, ये जीरा, और ये है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और ये है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और ऑफकोर्स ये है मीठा, तो जो बिरयानी में लगता है। तो आइए गाइस, आप लोगों को मैं ये दम बिरयानी बना के दिखाती हूँ। ओवन में कढ़ाई बिठाने के बाद दो बड़ी चम्मच रिफाइन ऑयल दे दीजिएगा, ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज दूँगी। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज दूँगी। लहसुन दूँगी, देने के बाद इसको थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। ये प्याज फ्राई हो चुकी है, अब इसमें गर्म मसाला दे दूँगी, और इसमें मैं टमाटर और कैप्सिकम दे दूँगी। देने के बाद इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए टमाटर कैप्सिकम भी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट दे दूँगी। ये बहुत एक अच्छी रेसिपी है, इसमें आप इसको इसमें आप वेजिटेबल दे के भी बना सकती हैं। मैंने वेजिटेबल नहीं दिया है ज़्यादा कुछ भी। उसके बाद इसमें ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर दे दीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है, अगर आपने चावल पहले से बना के रखा है। मैंने चावल उबाल के रखा है, अब मैं इसमें दे दूंगी हल्दी और नमक। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, और इसमें अब दे दूंगी आलू को। आलू देने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए आलू के साथ 2-5 मिनट। देखिए दम बिरयानी की ये जो फिलिंग्स है, ये मतलब मैंने मसाला को तैयार कर लिया है, अब मैं इसको चावल में मिलाऊंगी। देखिए मैंने चावल को पहले से बना के रखा है, चावल में इसमें मैंने दिया था अदरक, गरम मसाला, छोटी इलायची में जो है लौंग, और देके उस घी देके उसमें मैंने
अदर देखिए इसको अच्छी तरह से मतलब चावल को बना लिया था। अब मैं इसके लिए इसमें दे दूँगी मसाला को, इसमें दे दूँगी इसको अच्छी तरह से इससे मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब एक उतारने से पहले मैं इसमें मीठा तो दे दूंगी। बाद इसको थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लूंगी। ये अब मेरी ये दम बिरयानी अब बनके तैयार है, आप लोगों को मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मेरी ये दम बिरयानी अब बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको आप चिकन के साथ खा सकती हैं, सब्जी के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत एक डिलीशियस एक रेसिपी है। तो गाइस आप अपने घर पर इसको ट्राई कीजिएगा, कैसे बना है प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।